आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय किसान को कुछ फायदा हो सकता है। इसके पीछे तर्ज दिया जा रहा है कि निर्यात के मकसद से व्यापारी अधिक मात्रा में किसानों से गेहूं की ऊंची कीमतों पर खरीद करेंगे, जिसका सीधा लाभ किसानों को होगा। इसके साथ ही सरकार को लाभ मिलने की बात भी कही जा रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। इसका असर खाद्य पदार्थों से लेकर तेल की कीमतों तक पड़ रहा है। युद्ध के कारण कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। इसका फायदा किसान के साथ भारतीय व्यापारी भी लेने की कोशिश में हैं। वे किसानों से गेहूं की अधिक से अधिक खरीद करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो सरकार को MSP पर गेहूं की कम खरीद करनी पड़ेगी, जिससे सब्सिडी का बोझ कम होगा। इस तरह गेहूं के मामले में किसानों के साथ व्यापारी और सरकार को भी लाभ मिल सकता है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शनिवार को कहा कि वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी से भारत का गेहूं निर्यात बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि गेहूं आपूर्ति में रूस और यूक्रेन का हिस्सा 1/4 है। दोनों देशों में अगस्त सितंबर तक पैदावार मिलती है। मौजूदा संकट की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है, जिस वजह से गेहूं की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर है। फरवरी के अंत तक 66 लाख टन गेहूं का निर्यात कर चुके हैं। इससे पहले भारत ने 2013-14 में 65 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था और इस वित्त वर्ष का एक महीना अभी बाकी है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार भारत से गेहूं का निर्यात 70 लाख टन के स्तर को भी पार कर सकता है। खाद्य सचिव का कहना है कि ये भारतीय निर्यातकों के लिए एक मौका है। भारत में मध्य मार्च तक गेहूं की नई पैदावार आ जाएगी। वहीं FCI के पास अभी कुल 520 लाख टन का खाद्य भंडार है, जिसमें 240 लाख टन सिर्फ गेहूं है। सरकार के लिए भी यह सही समय है कि वह गेहूं के स्टॉक को खुले बाजार में बेचने के लिए मुहैया कराए। लेकिन एक अधिकारी ने यह भी बताया कि WTO के नियमों के मुताबिक सेंट्रल पूल का गेहूं सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए होता है। ऐसे में सरकार इसका निर्यात नहीं कर सकती। नई पैदावार बाजार में आ रही है, उसे व्यापारी निर्यात के लिए खरीद सकते हैं और घरेलू जरूरतों के लिए FCI के गोदाम में सरप्लस अनाज का स्टॉक है। एक अधिकारी ने यह भी कहा कि भारी मांग की वजह से निर्यात में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। बहुत अधिक संभावना है कि निजी व्यापारी सीधे किसानों से बड़ी मात्रा में गेहूं की खरीद करें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो इसका कुल खरीद पर भी सीधा असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार फिर तय लक्ष्य 440 लाख टन में से सिर्फ 350 से 360 लाख टन गेहूं की खरीद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।